जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइडेड बाई, देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिवाइडेड बाई फाइव या 25 या 125 या 625 मीन्स, ध्यान दीजिए, किसी भी अगर संख्या में आपको भाग देना है, कितना से, 5 से, 25 से, 125 से और 625 से, है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है इसका, बहुत आसानी से जो है आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, अगर 5 से डिवाइड आ जाएगा, पहले हम लोग 5 को देखते हैं, यानी 5 से डिवाइड आ जाएगा, 5 से, ठीक ना। तो 5 से जैसे ही डिवाइड आएगा तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी 5 से जब डिवाइड आएगा तो उस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल बैठा देना है, बस। 5 से अगर डिवाइड करने के लिए आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर गया, दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1, 3, 5 एक संख्या में ऐसा दिया, 1, 3, 5 इतना में आपसे डिवाइड करना है 5 से, यानी 5 से भाग देना है, कुछ नहीं करेंगे, इट्स वेरी सिंपल रूल, 1, 3, 5 तो लिखेंगे ही। इसमें मैं क्या बोला हूँ कि मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और डेसिमल बैठा देना है एक अंक के बाद, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 के 0 हासिल 1 और द्वितीयाई 6 × 7 और 2 × 1 = 2 इतना होगा। और दाहिने से मैं क्या बोला हूँ, दाहिने से मैं बोला हूँ कि एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल दीजिएगा और डेसिमल के बाद यहाँ संयोग से आ गया 0, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मीन्स इसका रिजल्ट आएगा 27, ठीक है। अब आप देखिए इसको जाँच भी कर लीजिए कि 27 आ रहा है कि ना, 5 चूँकि छोटा डिजिट है तो इसलिए इसको जाँच आप कर सकते हैं। देखिए टेस्ट कर लीजिए, 5 से 5 × 2 = 10 बच गया आपका 3, 5 × 7 = 35, देखिए इतना रिजल्ट आ गया, है ना। इसी प्रकार अगर आपको डिवाइड करने के लिए आ जाए 25 से, 25 से अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए, देखिए अगर डिवाइड करने के लिए आ जाए 25 से डिवाइड करने के लिए आ जाए किसी संख्या में, तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे 25 से आ जाएगा तो कि मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 4 से, और दाहिने से 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, दाहिने से 2 अंक के बाद, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, ठीक ना, यानी राइट साइड से डेसिमल बैठेंगे 2 डिजिट्स के बाद, है ना। अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे सकता हूँ, मान लीजिए कोई भी संख्या 2, 3, 5, 7 इतना, ये एक संख्या मैं लिया हूँ, ठीक है। इसमें आपको डिवाइड करना है कितना से, 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया हूँ आपको कि जो संख्या दिया रहेगा 2, 3, 5, 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 4 से मल्टीप्लाई करना है, जब 25 से भाग देना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दाहिने से 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल बैठाना है, ठीक है। तो देखिए 7 × 28 के यहाँ 8 लिखेंगे हासिल 2, 4 × 5 = 20 और 2 × 22 हासिल 2, और 3 × 5 = 12 और 2 × 12 = 14 14 × 4 हासिल 1 आ, इसके बाद 4 × 2 = 8 = 9 इतना हो गया ना। आ दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाना है तो डेसिमल बैठा दीजिए यहाँ पर दाहिने से 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 94.28 जो है इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 125 से, देखिए 125 से आपको डिवाइड करना है, 125 से, तो 125 से डिवाइड करिएगा ना, तो इसमें क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, मल्टीप्लाई आपको 8 से करना है, और दाहिने से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल बैठाना है, देखिए दाहिने से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल बैठाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और दाहिने से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल बैठा देंगे, तो 125 में जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, यहाँ मान लीजिए 3, 5, 6, 3, 2 यहाँ इतना है, और इसमें आपको डिवाइड करना है अर्थात भाग देना है 125 से, 125 से आपको डिवाइड करना है, तो 125 का टेबल तो आपको नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ टेक्निक का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले ना, हम इसमें जब 125 से कहेगा तो 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3
3, 5, 6, 3, 2, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल बैठाना है। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, फिर इसके बाद 8 3 के 24 आ 25 के 5 हासिल 2, फिर इसके बाद 8 6 48 आ 2 48 2 50 के 0 हासिल 5, और फिर 8 5 40 5 45 के 5 हासिल 4, और फिर 8 3 के 24 4 28 हो जाएगा ये, ठीक है। अब दाहिने से इसमें कितना डिजिट्स के बाद डेसिमल देना है, 3 डिजिट्स के बाद। तो हम 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल दे देंगे, यही आपका रिजल्ट हो गया। 125 से डिवाइड करने का ये सबसे सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से आपको 625 से डिवाइड करना है। तो 625 एक बड़ी संख्या है, तो 625 का आपको टेबल ना पता है ना, लेकिन यहाँ देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार से जैसे हम लोग 125 का किए, अब हम लोग करेंगे यहाँ 625 का। तो 625 का देखिए, 625 का भी सिंपल है, यानी कि आपको डिवाइड कितना से करना है, 625 से। तो 625 से आपको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे कि इसमें जिस प्रकार से 125 के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो वैसे ही 625 के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यानी मल्टीप्लाई बाय 16, यानी 16 से गुणा करके और दाहिने से 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल बैठाएंगे, मीन्स 4 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। अब हम इस पर एग्जांपल देकर के आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए 1 2 5 3 6 4 है, दोनों इस प्रकार का आपका एगो इस प्रकार का संख्या है, और इसमें आपको डिवाइड करना है 625 से। निश्चित तौर पर ये रूल आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग बन सकता है, लेकिन देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या बोला हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 16, तो 12 53 और 64, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ 16 चौके 64, तो 64 के 4 हासिल लगेगा 6, ठीक है। 16 6 96 आ 96 6 102 को यहाँ 2 लिखेंगे, हासिल लग गया 10। 16 3 48 10 58 के यहाँ लिखेंगे हम 8, हासिल लगेगा 5, ठीक ना। आ 16 5 80 आ 10 90 के 0 हासिल लग गया 9। 16 2 32 यहाँ पर एक मिनट टूट गई, 16 5 80 आ इसमें का हासिल लगा था कितना, 5 हासिल लगा था 5, तो 16 5 80 या 5 85 के यहाँ 5 ना होगा, गलती कर रहे थे, 85 के 5 हासिल लग गया आपका 8, ठीक ना। 16 2 32 8 40 के 0 हासिल लग गया 4, आ 16 1 16 16 4 20, यानी फाइनली इसको हम इतना लिख सकते हैं। और क्या बताया हूँ मैं कि अगर डिवाइड करना हो 625 से, मतलब 625 से, तो आप दाहिने से 4 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे, कब, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 से। तो 16 से तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, और दाहिने से 4 अंक के बाद डेसिमल देना है, तो राम 2 3 4, तो यहाँ पर आपका डेसिमल हो जाएगा। यानी फाइनली अगर आप 1 2 5 3 6 4 में डिवाइड करते हैं 625 से, तो आपका आंसर होगा इतना।